ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे शुभैन को बाहर अलग व्यू से देखते हैं, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को शुभैन को अलग नजर से देखते हैं। जब मैं पुलवामा से निकला, शुभैन से निकला जम्मू के लिए, दो लोगों ने मुझे मदद की जम्मू तक पहुंचाने में, और जम्मू के बाद मुझे मतलब लिफ्ट नहीं मिल रहा था, तो मैं ऐसे ही शाम होने को मैं ऐसे ही बोल रहा था, एक स्कूटी वाला बाइक वाला रास्ते से गुजरा, तो मैं बैठा हुआ था तो वो रुक गए। उसने बोला, भाईजान कहाँ जाना है? मैंने बोला बस मुझे मतलब दिल्ली जाना है, बहुत दूर जाना है, मैंने बोला। तो उन्होंने बोला चलो मैं लिफ्ट देता हूँ। जब मैं मतलब उसने लिफ्ट दिया तो उसने बोला मतलब क्या क्या इनिशिएटिव लिया आपने, मैंने जब उनको बोला, और उसने वहाँ से बोला कि मैं जो हूँ ना वो कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ और कश्मीर में रहता हूँ, कभी कभी अखबार आता हूँ जो कश्मीर की याद आती है, और मुझे अपने कश्मीरी भाइयों से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्यार है, क्योंकि जो वो कश्मीरी भाईचारा है ना जो हमारे यहाँ है भी और था भी। तो उसने बोला कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी कश्मीरी बंदे को देखता हूँ, ऐसा लगता है कि ये अपना है। तो उसने मुझे लखनपुर में ड्रॉप किया, और लखनपुर से उसने मुझे दूसरी गाड़ी में चढ़ाया, और ऊपर से मतलब कुछ स्नैक्स लाए खाने के लिए, बहुत सारा सामान लाया, और मतलब कुछ पैसे भी दिए, और बैग में बोला कि मुझे फिक्र रहेगी, क्योंकि वो मुझे कॉल्स भी कर रहा था, फिर मुझे फिक्र रहेगी कि जब तक आप घर वापस ना हो। तो कश्मीरी भाईचारा दिखाना है ना, तो आपको दो चीज़ों से दूर रहना है, मतलब ये मेरा व्यू है, पॉलिटिक्स और लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव लोग, उनसे दूर रहना। बाकी देखो हमारे हमारे धर्म में भी, हमारे इस्लाम में भी लिखा है कि अगर आपको किसी को जीतना है ना तो प्यार से जीतो, ना कि फाइट से। फाइट बन, चलो मेरा फ्रेंड ही है, अगर मैं उसके साथ फाइट करूंगा तो वो मेरी तरफ देखेगा भी। यूथ को मैं बस अपने यूथ को और लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बस आपस में अगर भाईचारा कायम रखना है तो प्यार से रहो, ना कि नफरत से।